ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। दरअसल ब्रिटेन की यात्रा के दौरान ब्रिटेन के पूर्व सांसद जेरेमी कॉर्बिन से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, जिसके बाद अब बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं तो कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अलग विचार रखने वाले विदेशी नेताओं से भारत के नेता पहले भी मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। आपको बता दें, कॉर्बिन को भारत और हिंदू विरोधी रुख अपनाने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वो कश्मीर को भारत से अलग करने की भी वकालत करते रहे हैं। वो लेबर पार्टी के पूर्व नेता हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी और सैम पित्रोदा की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसके बाद बीजेपी के आईटी प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने कॉर्बिन से राहुल गांधी की मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ब्रिटिश सांसद और लेबर नेता जेरेमी कॉर्बिन के साथ राहुल गांधी। कॉर्बिन भारत के प्रति असीमित द्वेष रखने के लिए जाने जाते हैं। वो कश्मीर के अलगाव की पैरवी करते हैं और स्पष्ट रूप से हिंदू विरोधी हैं। राहुल गांधी को आखिरकार उनका वो विदेशी साथी मिल गया जो उनकी तरह खुलकर भारत को बदनाम करता है। बीजेपी के निशाना साधने के बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ पहले की मुलाकातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर अलग विचार रखने वाले विदेशी नेताओं से मुलाकात नहीं करनी है तो सरकार को इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहिए। बता दें कि सुरजेवाला ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी और जेरेमी कॉर्बिन की तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों हैंडशेक कर रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं भी अपनी मीडिया से कह सकता हूं कि पहचानो ये शख्स कौन है और उससे भी उसी तरह का सवाल पूछो जैसा राहुल गांधी से पूछा गया है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जेरेमी कॉर्बिन के भारत के बारे में विचारों का समर्थन करते हैं? इतना ही नहीं, सुरजेवाला ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि नेता दूसरे नेताओं से पहले भी मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। जिनके विचार उनसे नहीं मिलते, राहुल गांधी जी का उस व्यक्ति के साथ तस्वीर लेना अपराध या आतंकवाद का कृत्य नहीं है जिसकी राय हमसे अलग है। सुरजेवाला ने कहा कि अगर मुलाकात नहीं करने का यही आधार है तो फिर सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री ने दावोस में नीरव मोदी के साथ तस्वीर क्यों खिंचवाई? उस वीडियो का क्या जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहुल चौकसी को हमारे मेहुल भाई कहते देखे गए? पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से मुलाकात क्यों की जब चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है? सुरजेवाला ने यह भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों की? क्या सरकार ये वादा करेगी कि जैसे किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात नहीं होगी जिसके हमसे अलग विचार होंगे? उन्होंने कहा कि बीजेपी के दुष्प्रचार पर नहीं असल मुद्दों पर चर्चा करने का वक्त है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।